दोस्तों नमस्कार, सभी पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं चौधरी मोहन गुजर हरदा का निवासी हूँ और मकड़ाई समाचार अखबार का संपादक हूँ। मेरे द्वारा लंबे समय से जनहित की विभिन्न समस्याओं को, अपराध भ्रष्टाचार और भी अन्य कई खबरों को अपने अखबार में और अपने जो डिजिटल संस्करण है, जो वेबसाइट है, उसमें मेरे द्वारा प्रकाशित की गई है और मेरी बहुत सी खबरों पर कार्रवाई भी हुई है। आज मैंने एक खबर प्रकाशित की थी अपने अखबार में, मकड़ाई समाचार अखबार में। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन के भतीजे ने शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। यह मैंने खबर प्रकाशित की और जब यह खबर सोशल मीडिया में सुर्खियों में छाई, खबर प्रकाशन के बाद में इस खबर में मैंने बाकायदा जो नगर पालिका के अध्यक्ष है उनका वर्जन भी इसमें है खबर के अंदर, दोनों पक्षों को रखा। एक टिमनी थाने के सोडलपुर की एक महिला है, उस महिला का आरोप है कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है इनके भतीजे ने उन्हें शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, शारीरिक शोषण किया और जब एक लड़का हो गया तो उसके बाद में वह अपने वादे से मुकर गए। शुरुआत में इनका जो भतीजा था वह महिला से कहता रहा कि मैं तेरे से शादी करूंगा, मेरी जो पहली पत्नी उसको मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन उसने पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया और इसको भी दरकिनार कर दिया। पीड़ित महिला ने हरदा थाने में शिकायत दर्ज की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद महिला थाने में FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR दर्ज होने के एक साल बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर मैंने अपने अखबार में एक खबर का प्रकाशन किया था। मैं आपको वह खबर भी दिखाता हूँ। यह वो खबर थी, बाकायदा ये खबर मैंने प्रकाशित की थी। नगर पालिका पुलिस ने आरोपी को एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं किया गिरफ्तार। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन के भतीजे ने शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। पीड़ित महिला बोली, भाजपा के दबाव में बलात्कार के आरोपी को पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार। इस खबर प्रकाशन के बाद में नगर पालिका का अध्यक्ष जो सुरेंद्र जैन है वह इतना बौखला गया और उसने मुझे आज दोपहर 2:18 पर उसके स्वयं के मोबाइल से फ़ोन लगाया और गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और अन्य किया था। मैं आपको वह खबर भी दिखाता हूँ। यह वो खबर थी, बाकायदा ये खबर मैंने प्रकाशित की थी। नगर पालिका पुलिस ने आरोपी को एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं किया गिरफ्तार। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन के भतीजे ने शादी का झांसा देकर किया बलात्कार। पीड़ित महिला बोली, भाजपा के दबाव में बलात्कार के आरोपी को पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार। इस खबर प्रकाशन के बाद में नगर पालिका का अध्यक्ष जो सुरेंद्र जैन है वह इतना बौखला गया और उसने मुझे आज दोपहर 2:18 पर उसके स्वयं के मोबाइल से फ़ोन लगाया और गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और अन्य। नहीं तो महिला का आरोप मेरा थोड़ी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आरोप उसने, हमने तो वीडियो तो नहीं आईडियो आपकी बन रही है, वीडियो नहीं बनेगी क्या? वीडियो में क्या बनाऊंगा मैं, तो मेरे तो आईडियो चलता है, वीडियो नहीं है। बाकी आरोप उस महिला ने लगाया है। हाँ अरे आप तो आपके पिछले 2-4 का रिकॉर्ड बता दो, मैं आपके घर कभी आया हूँ तो ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। और लगा सवाल हमने जब हमारे खुद के ऊपर भी आरोप लगते, मेरे पिताजी बाबा है, सुनो हरदा भक्त है ना, क्या नहीं इस प्रकार आप गाली मत बको, मेरा यार सही नहीं, आपको शोभा नहीं देता। आप विकास पुरुष हो जैन साहब, आप विकास पुरुष हो हरदा के, ये गाली देना आपको शोभा नहीं देता। अरे आप साबित कर दो ना, मैं 10 दिन के 2 महीने पहले आया हूँ तो आपके पास पूरे CCTV कैमरे लगे हैं।
नहीं नहीं ये साहब, ये इस प्रकार के आरोप आरोप गलत है। इस प्रकार की जो आप भाषा एक, आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप एक जनप्रतिनिधि हो क्या, आप एक जनप्रतिनिधि हो। हाँ तो महिला ने बोला तो हमने पूछी है, और उसके बाद में आपकी बिल्कुल आपकी बात रखी हमने पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी है। आपको फोन लगा है तो आप बोल देते कि भैया मेरा नाम मत डालना यार उसमें, अगर आया हो तो है तो मैं क्या, आप बोल रहा, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ है। अच्छा हाँ, 20 साल से संबंध नहीं है भाई, मैं तो, मेरा तो किसी नेता से मंत्री से संबंध ही नहीं रहता, आपने देखा होगा। मैं तो किसी से संबंध रखता ही नहीं हूँ। आपकी भी बात, आपकी कोई खबर आती है तो बिल्कुल हम आपको सम्मान लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए। अच्छा अच्छा आप 30 साल से, आप बोल रहे हो कि उस गांव में मैं 30 साल से रह नहीं रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैं चलिए हाँ 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 अच्छा खेत के अंदर तो मेरे को क्या डर है क्या मैं, नहीं नहीं आपको कोई बदनाम नहीं किया है और ना कोई करने का उद्देश्य हमारा। अच्छा तो बलात्कार सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर पक्ष नहीं रखे तो मैं दोस्त, आप अगर पक्ष नहीं तो हमने तो आरोप हाँ तो ये हम कहा बलात्कार से बोल रहे हैं भाई, आरोप उसके उसके भाई ज्यादा जो ये हम थोड़ी उसमें कुछ बोल रहे हैं है? भाई हाँ आप आपकी बात रखो ना, तो हम तो बोल रहे हैं ना आपकी बात रखने को हम तैयार है, आप कुछ भी बात रखो। अच्छा दम है ना, अरे तुम्हारे पास तो 50 गवाह भाई, तुम तो बहुत बड़े वो हो यार, तो छोटे मोटे आदमी हो क्या तुम, है तुम्हारी बहुत ऊंची पहुंच है, शिवराज तक पहुंच है तुम्हारी है। हम कहीं कल को भी रखवा करेंगे किसी को क्या